नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इट सेज द एंगल बिटवीन द टू वैक्टर्स ए इज इक्वल टू थ्री आई कै प्लस फोर जे कै प्लस फाइव के कैप एंड बी वैक्टर थ्री आई कै प्लस फोर जे कैप माइनस फाइव के कैप विल बी और ऑप्शन है फोर्टी फाइव डिग्री जीरो नाइन्टी या वन एट्टी डिग्री हमें बताना है दो वैक्टर दिए हुए उनके बीच में एंगल क्या होएगा तो सबसे पहले तो वैक्टर्स लिख लेते हैं अपना पहला वैक्टर ए वैक्टर वो हमें दिया हुआ है थ्री आई कै प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप सो दिस इज थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप दूसरा वेक्टर दिया हुआ है थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस फाइव के कैप सो बी वेक्टर जो है दैट इज़ थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस फाइव के कैप इन दोनों के बीच में हमें एंगल बताना है सिंपल uh, सवाल है अपने को ये पता है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए वैक्टर ए वैक्टर डॉट पी वैक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड अलग सो अगर हम इसको ए डॉट बी करेंगे डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सिर्फ आई आई जे जे और के के मल्टीप्लाई होते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं आई आई डॉट जे या आई का डॉट के वो सब जीरो हो जाता है बिकॉज उनके बीच में एंगल 90 का है सो इफ दैट इज़ द केस इनको जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे सो so अपना आएगा कॉस्टा विल बी इक्वल टू थ्री इंटू थ्री यानी कि नाइन प्लस फोर इंटू फोर यानी कि सिक्सटीन माइनस फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव इंटरेस्टिंग सवाल है uh, अगर नोटिस करोगे न्यूमिनेटर जीरो हो रहा है सो ऑल दो डिनिनेटर हमें लिख लेना चाहिए पर उसकी ज़रूरत इस सवाल में पड़ेगी नहीं बट जस्ट बिकॉज एज अ टीचर मुझे पूरा काम करना चाहिए इसलिए मैं लिख लूँगा बट आप एग्जाम हॉल में इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर आपने ये चीज़ नोटिस कर ली तो uh, नीचे जो मैग्नीट्यूड आएगा इट विल बी थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अंडर उट ऑफ थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर और इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे आएगा लेकिन ऊपर अपनी वैल्यू ज़ीरो हो रही है अगर कॉस थीटा की वैल्यू जीरो है विच इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री एंड हेंस थीटा इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम